चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक बार कल का रिकैप कर ले। कल वाला रिकैप में हम लोगों ने क्या क्या किया था बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर कवर कर लिया, एक इंश्योरेंस और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अपना चल रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में अभी तक क्या क्या सीखा था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स कवर्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट आप दो तरीके का करते हो, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा कैसे रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो चीज हमेशा बताएगा कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन कैसे रिकॉर्ड करोगे और ईयर एंड में कैसे रिकॉग्नाइज करना है। ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉमन है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम परचेज करते हैं तो फर्स्ट टाइम इनिशियल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इनिशियली हमेशा इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू। एंड कॉस्ट मीन्स क्या था, कॉस्ट मीन्स परचेज वैल्यू, ब्रोकरेज और कमीशन, कोई भी पेपर वर्क वगैरह, वो सारा चीज होगा। बट इफ कोई कैपिटल इनकम उसमें अटैच्ड है, ठीक है, कोई डिविडेंड इनकम ऑलरेडी अटैच्ड है, कोई स्कीम अटैच्ड है, तो वो हम लोग के लिए कैपिटल रिसीव्ड होता है और वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, क्लियर है। फिर हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दो माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है जो सिक्योर्ड होता है, जो टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और एक होता है जो रिस्क लेना चाहता है। तो जो टेंशन फ्री होता है वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग में करता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, कुछ भी फ्लक्चुएशंस नहीं चलेगा। वेयर एज वेरिएबल इनकम बियरिंग बोले तो शेयर मार्केट, शेयर्स वगैरह में जो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखना हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स वगैरह कवर नहीं करता है, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को कवर करेगा या प्रेफरेंस शेयर्स को कवर करेगा। और फिक्स्ड बियरिंग का एग्जांपल्स हो गए थे मेरी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सारे क्या है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग था। फिर हमने सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा था कि इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं, कैश पैसा देके, या फिर अपनी खुद की कंपनी की सिक्योरिटीज इश्यू करके, या फिर बार्टर सिस्टम, एक एसेट दिया और उसके बदले में हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया, क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने एक फिक्स इनकम बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जहां पे 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड था, क्लियर है। उसके बाद में कुछ होमवर्क था अपना, एक डिवेंचर वाला क्वेश्चन जो हमने अभी खत्म कर लिया। आज करते वेरिएबल इनकम बियरिंग। वेरिएबल इनकम बियरिंग में लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि शेयर्स के साथ में क्या क्या होता है, कि शेयर्स आप खरीदते हो ना, इफ उसमें पहले से डिविडेंड राइट्स अटैच्ड है, ठीक है, कि मिलना ही मिलना है, तो वो डिविडेंड जो तुम्हें मिलेगा इट्स अ कैपिटल रिसीप्ट फॉर यू एंड वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, पहला चीज ये था। दूसरा चीज, शेयर्स के केस में बोनस भी मिलता है, बहुत बार कंपनी बोनस इशू करती है, तो बोनस इशू से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होता, बल्कि कॉस्ट पर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है, पैसा उतना ही लगा रखा है हमने, तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट पर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। फिर एक देखा था राइट शेयर्स, ठीक है, राइट शेयर्स क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिफोर इशूइंग टू द न्यू शेयर होल्डर्स और न्यू पब्लिक, कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स देती है कि आप खरीदना चाहो तो देख लो, आपको इस रेट में हम बेच देंगे, ठीक है। तो वहां पे राइट क्या है, एक राइट है, ऑब्लिगेशन तो है नहीं, तो राइट या तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर वो लैप्स हो सकता है, या फिर हम किसी और को बेच सकते हैं। इफ राइट आपने किसी को बेच दिया, देन जितना पैसा वो राइट बेच के मिलेगा इट्स प्योर प्रॉफिट, वो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। लेकिन इफ राइट आपने एक्सरसाइज किया तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, प्लस नंबर ऑफ शेयर्स घर पे आएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होगा। लेकिन शेयर्स के केस में हमने एक नोट लिखा था कि जब जब हम शेयर सेल करेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना पड़ेगा। उस कंडीशन में द कॉस्ट ऑफ शेयर्स कौन सा लेना है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू कंसिडर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे फीफो मैथ, फीफो मैथ कहाँ लगेगा, जब जिस लॉट में परचेज किया उसी लॉट को आप सेल करते हो ना पूरा पूरा, तब तो फीफो मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इंस्टॉलमेंट में सेल किया, टुकड़ों में सेल किया, तो वहां फीफो मेथड लगाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एएस क्या बोलता है, यू टेक एन एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब सारा का सारा शेयर्स जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में पूरे साल भर था डिवाइडेड में रहेगा, एंड ऊपर में जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया, तो तुमको एवरेज रेट ऑफ ए शेयर पता चल जाएगा, और उसी रेट से तुम कंपेयर करना अपने प्रॉफिट और लॉस को, क्लियर है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे जो डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था और अभी एक बार हमने ग्लिम्स पूरा रिवाइज किया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं।
एंड फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को सीरियसली लेना। ये नाम के इलस्ट्रेशंस होते हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं जो विद द चेंज्ड फिगर लगभग सही सेम लैंग्वेज, सब सिर्फ जीरो बढ़ाएंगे कम करेंगे वो सब करेंगे और क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। योर फर्स्ट मोटिव शुड बी कवर द एंटायर स्टडी मैट, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ से करना है, कोई आलस नहीं कुछ नहीं, विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, वर्किंग नोट्स को एम्फेसिस देंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वर्क होता है कि पास्ट पेपर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर्स के जितने भी है जो मैंने कंपाइलेशन तुम लोग को दिया वो खत्म करना है, एंड देन उसके बाद एमटीपीज एंड आरटीपीज। इतना कर लिया ना एक बार के लिए मोर देन एनफ है। उसके बाद जब अपन टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे, मुझे लगा कि और कुछ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन वैसे देता रहूंगा। क्लियर है? तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, ए लिमिटेड परचेज्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए ऑफ एलियंस लिमिटेड फॉर ₹105 इच ऑन 1st of April 2011। 1 अप्रैल 2011 ने ए लिमिटेड ने क्या किया, 5,000 शेयर खरीदा है। एकदम नॉर्मल, थिंक एज इफ तुम शेयर मार्केट में सच में इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कर रहे हो। क्लियर है? तो ए लिमिटेड क्या किया, 5,000 शेयर खरीदा 105 रुपए में। उसने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं 105 रुपए, यानी उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका फेस वैल्यू तो उतना ही रहेगा, 5,25,000 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट करके उसने 5,000 शेयर्स खरीद लिए। अब देखो द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब इन शेयर्स को जिससे भी हमने खरीदा है इसमें कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है पिछले साल से रिलेटेड कंपनी डिविडेंड, यानी जब खरीद रहे हैं उससे पहले से उसमें बेनिफिट अटैच्ड है। ठीक है, हमने देखा था ना कि एक्टिवा या गाड़ी लेने जा रहे हैं पहले से कूपन अटैच्ड और वो लॉटरी आपको लग जाए तो आप क्या बोलते थे, आहा अच्छा मजा आ गया, 10 लाख की गाड़ी थी, 2 लाख की तो लॉटरी लगी, 8 लाख में गाड़ी खरीद के घर लेके आ गए, ऐसे ही बोलते ना। सिमिलरली हमने यहाँ पे 5,000 शेयर्स खरीदा और पहले से इसमें डिविडेंड राइट्स अटैच्ड है, फायदा ही होने वाला है। जब हम खरीदने जाएंगे तो हम दिमाग में क्या सोचेंगे, ओ आज 100 रुपए का फेस वैल्यू, 5 रुपए ही हमसे एक्स्ट्रा ले रहा है, बट कोई बात नहीं हमें तो इन शेयर्स पे डिविडेंड भी मिलेगा। बल्कि रियल पर्सन जिसको ये डिविडेंड मिलना चाहिए था, किसको, जिसने 31 मार्च तक इसको होल्ड किया था उसको मिलना चाहिए, बट हमने उससे खरीद लिया तो अब डिविडेंड किसे मिलेगा, हमें मिलेगा। तो ये डिविडेंड इनकम जो है दैट्स अ कैपिटल रिसीप्ट्स फॉर यू। ठीक है, और ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम होगा। क्लियर है? तो इसके ऊपर में कितना डिविडेंड मिलेगा बता सकते हैं, वो आगे पता चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जो भी इससे रिलेटेड डिविडेंड है वो आपके लिए इनकम नहीं है, वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट्स है, आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड वगैरह क्वेश्चन देगा। On 15th of May, Allianz Limited declared, 15th of May 2011, यानी current year, Allianz Limited declared and paid dividend of 2% for the year ending, यानी ये पिछला साल की बात कर रहे हैं, कि पिछले साल से related, Allianz Limited ने क्या किया, current year में dividend declare किया और pay किया, तो current year जितने shareholder हैं उन्हीं को मिल रहा है। माना जो 31 मार्च तक कंपनी के रजिस्टर में लिखे हुए थे ना नाम, उन्हीं को ही मिलेगा, बट अब तो नाम वो चेंज हो चुका है, तो किसको मिलेगा, चेंज नेम पे। तो यहाँ पे ये डिविडेंड हमें मिलने वाला, ए लिमिटेड सपोज हम ही है, तो कितना डिविडेंड मिलेगा, 5,000 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, यानी 5 लाख के ऊपर 2% डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, तो उसका 2% कितना, 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, बट उसको हम अपना इनकम नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करेंगे। सो व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 515। अब देखो इसके प्रेजेंटेशन का दो तरीका होगा, पहले आप चाहो तो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में इसको लिख लेना, फिर क्रेडिट में कॉस्ट कॉलम में इसको लिख लेना, तो नेट वैल्यू 515 हो गया, या फिर नेट वैल्यू या 515 लिख लेना, दोनों ही करेक्ट है। हाँ, माइनस करके तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 515 मान लो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, पहले कॉस्ट कॉलम में डेबिट साइड में पहले कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे 525 और इधर लिखेंगे फिर कॉस्ट कॉलम में 10,000,
तो नेट तो 550 नहीं हो गया, क्लियर है। तो ये दो तरीका है प्रेजेंटेशन का। अभी तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है अपने को, आगे देखते हैं क्या बोला। ऑन 30th of June 2011 Allianz Limited issued bonus share in the ratio of 1:5. इसका मतलब क्या है? Yes, ये interpretation हमेशा है। 1:5 का मतलब होता है 1/5, ठीक है? यानी जिसके पास 5 shares है, उसको एक शेयर बोनस मिल रहा है। तो हमारे पास Allianz Limited के कितने shares है? 5000 शेयर, तो हमें कितना बोनस मिलेगा? 1000 शेयर बोनस। तो हमारे पास ऑलरेडी कितने शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे? 5000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अब बोनस ऐड हो जाएगा कितना? क्या मेरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा? कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसे टोटल वैल्यू में चेंज आएगा क्या? क्योंकि बोनस जब मिलता है वो फ्री में मिलता है, हमको एक रुपए भी देना नहीं पड़ता, तो वो पैसा उतना ही इन्वेस्टेड रहेगा। बस अब हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू 5,15,000 है, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 6,000। क्लियर है यहां तक? आगे, ऑन 1st of October 2011 Allianz Limited issued right shares in the ratio of 1:12। इसका मतलब जिसके पास 12 शेयर्स है, उसको एक शेयर का राइट दिया है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स है? हमारे पास तो 6000 शेयर्स है ना। अब जिस दिन राइट इश्यू किया है उससे पहले तो हमारे पास 6000 शेयर्स है, तो हमें कितने राइट शेयर्स मिल सकते हैं? 500 राइट शेयर्स हमें मिल सकते हैं। और इन 500 राइट शेयर्स को खरीदने के लिए हमें कंपनी को कितना रुपए देना पड़ेगा? 45 रुपीज। क्लियर है ये? A Limited subscribed to half of the right issue and the balance was sold at 5 per right entitlement. एक तो लॉजिक समझो कि 45 रुपए का तुमको टिकट मिल रहा है, ठीक है? अब नॉर्मल यदि कोई टिकट 45 रुपए मिल रहा है, कोई तुमसे इससे ज्यादा में तो खरीदेगा नहीं। बहुत हाईली डिस्काउंटेड वैल्यू में तुम उसको बेचोगे ना, तब वो खरीदेगा। कूपन है ना ये, तो कूपन थोड़ी ना सेम वैल्यू में बिकता है। तो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए तो क्या है, कूपन फ्री का है, 45 रुपीज के कूपन मिले हुए। तुम्हारे पॉकेट में तो जितना रुपए भी आए उसको बेच के वो तो गेन ही है ना। चाहे 5 रुपए में बेचो, चाहे 10 रुपए में बेचो, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 25, चाहे 30, कितने में भी बेचो, तुम्हारे लिए तो नेट गेन है। इसके लिए तुमने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया क्या कूपन लेने के लिए? नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे 500 शेयर्स है, 500 राइट शेयर्स है सॉरी, इसमें से 50% क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे हम, और 50% क्या होगा, सेल कर देंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे 50%, यानी 500 शेयर्स थे उसमें से 250 शेयर्स हम खरीदेंगे, तो वो इंक्रीज हो जाएगा मेरा, तो मेरे पास टोटल 6,250 शेयर्स हो जाएंगे। क्या इस 250 शेयर्स के लिए पैसा भी देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। 250 × 45 = 11,250। क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ जाएगा मेरा? 526,250। क्लियर है? और ये जो 50% हम सेल कर रहे हैं, दैट इज 250 × 5 रुपीज, इसका क्या करेंगे, ये सीधा का सीधा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, गेन है। क्लियर है यहां तक? द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% ऑन 30th of November 2011। राइट शेयर्स वेर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, यानी अभी अभी जो हमने राइट शेयर्स खरीदे हैं उसपे डिविडेंड नहीं मिलने वाला। उससे पहले कितने शेयर्स थे? 6000, उसपे तो डिविडेंड मिलेगा इंटरिम डिविडेंड। तो हमें 6000 पे फेस वैल्यू है 100 रुपए, उसका 1% तो डिविडेंड मिलेगा, है ना? 6000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, ये डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा, ठीक है? इसका मेरे इन्वेस्टमेंट कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। आगे, द कंपनी सोल्ड 3000 शेयर्स ऑन 31st December at 95 पर शेयर। द कंपनी ए लिमिटेड इनकर्ड
2% as ब्रोकरेज while buying and selling shares. तो buying and selling shares में यदि 2% ब्रोकरेज है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन सब में ब्रोकरेज को एड करना पड़ेगा. 5,15,000 में हमने ब्रोकरेज तो कंसिडर नहीं किया था ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 525 पे 2% पहले ब्रोकरेज लगेगा, 525 पे 2% ब्रोकरेज यानी 535,500 हो जाएगा. ये तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 535,500. फिर इन्वेस्टमेंट 10,000 का गया कैपिटल रिसीव्ड, तो वैल्यू कितना होगा, 525,500. तो यहां अपन लिखेंगे 525,500 और उसके बाद में जो राइट शेयर्स लिया है उसके ऊपर भी तो अपना क्या जाएगा, कुछ ब्रोकरेज जाएगा क्या, राइट इशू में ब्रोकरेज नहीं जाएगा, बिकॉज राइट इशू कंपनी डायरेक्टली दे रही है ना, हमने किसी थर्ड पर्सन से थोड़ी खरीदा है. जब आप किसी थर्ड पर्सन से खरीदते हो या बेचते हो तब आपका ब्रोकरेज लगता है, तब बीच में कमीशन एजेंट आता है ना. हाँ, 50% में तो लगेगा जो सेल किया था, उसको तो राइट ही बेच दिया हमने, हमने तो खरीदे ही नहीं वो शेयर्स. मेरे पास कूपन से मैंने कूपन किसी को बेच दिया तो मैंने तो शेयर्स लिए ही नहीं है, तो ब्रोकरेज क्यों लगेगा. वहां पे तुम राइट बेच रहे हो, ब्रोकरेज कमीशन एजेंट का. शेयर मार्केट में कमीशन एजेंट बोले तो ब्रोकर, उसका नंबर कब आता है, जब हम शेयर्स में डील करते हैं. यहाँ मैंने ना तो शेयर खरीदा ना शेयर बेचा, मेरे पास एक राइट था, एक पेपर था, मैंने उस पेपर को बेचा किसी थर्ड पार्टी को, उससे मेरे ब्रोकर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट तब आता है जब तुम शेयर्स खरीदते हो या शेयर सेल करते हो फ्रॉम थर्ड पार्टी. क्लियर है. यहाँ पे देखो कि पहले वाला जो शेयर्स हमने खरीदा था 5,000, वो हमने फ्रॉम थर्ड पार्टी था, डायरेक्ट कंपनी से नहीं था. लेकिन राइट शेयर्स किससे ले रहे, डायरेक्ट कंपनी से, तो यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज नहीं लगा. इज इट क्लियर. अब तो तुम्हें हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बदल जाएगा थोड़ा सा, 536,750. क्लियर है. अब हमने क्या किया, सेल किया 3,000 शेयर सेल किए हैं, कितने रुपए में, 95 में, दैट इज 2,85,000. इसके ऊपर तो ब्रोकरेज लग जाएगा, ब्रोकरेज लगेगा ना 2% सेल करने में, तो ये तो मेरे पॉकेट में आएगा ही नहीं, तो मेरे पॉकेट में कितना रहेगा, 279,300. अब इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे निकालेंगे. अब 3,000 शेयर सेल किए, बताया थोड़ी कौन सा सेल किया, उस कंडीशन में हम लोग कौन सा रेट निकालेंगे, एवरेज रेट. एवरेज रेट कैसे निकलेगा, हमने 3,000 शेयर्स को सेल किया 95 में और उसपे जो ब्रोकरेज था वो माइनस कर दिया, तो नेट सेल वैल्यू निकल गया. अब निकालना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, वो कैसे निकालेंगे, जब इसके कॉस्ट से माइनस करेंगे. लेकिन 3,000 का कॉस्ट हमें नहीं पता, कौन सा वाला बेचा आइडिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे. एवरेज रेट कैसे निकलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, एवरेज आ गया 536,750 डिवाइडेड बाय 6,250, 85.88. तो माइनस कॉस्ट वैल्यू कर दो इनटू 3,000, 257,640. तो प्रॉफिट और लॉस निकल गया 279,300, 21,660. आया समझ में, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही करना था. तो फीफो मेथड से होता तो फिर इसके रेट के अकॉर्डिंग करते, फिर ये तो फोकट में आया था जिसका रेट कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी बेचा वो सारा का सारा प्रॉफिट. शेयर्स के केस में नॉर्मली फीफो होगा ही नहीं, ठीक है. हाँ, और जबरदस्ती दे दिया तो फिर वैसे ही लेते वन ऑन वन. चीज समझ में आया. अब क्या करना है, इसको प्रेजेंटेशन ही तो करना है, और तो कुछ बचा ही नहीं है, सारी कैलकुलेशन तो आपने यहीं पे सॉल्व कर ली. तब देखो कैलकुलेशंस कैसे करते रहेंगे हम लोग, बनाते हैं थोड़ा नीट एंड क्लीन से, सॉल्व करते हैं इसको. यस, आप चाहो तो डिविडेंड अकाउंट अलग से भी बना सकते हो और डिविडेंड अकाउंट साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
सर वो फर्स्ट वैल्यू जो माइनस करेगा डिविडेंड अलग अलग अगर अलग से शो करेगा तो डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना है ना। इफ डिविडेंड कॉलम में दिखाए तो तुम्हारा एंट्री क्या हो गया पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो लेकिन तुमको उसको इनकम थोड़ी मानना है, तुमको तो क्या करना है उसको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू से कम करना है। तो तुम्हारा एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है हम लोग डिविडेंड नहीं, डिविडेंड जब डिक्लेयर करते तब हम एज ए इन्वेस्टर हम लोग कुछ अकाउंटिंग नहीं करते, कंपनी जरूर अकाउंटिंग करती है ठीक है, हम कुछ नहीं करते। हम कब अकाउंटिंग करते हैं, जब हमें डिविडेंड रिसीव होता है। जिस दिन रिसीव होता है उस दिन हमारे बैंक में पैसा आता है, तो हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, उसको इनकम मानते, बट ये तो कैपिटल इनकम है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम होना चाहिए, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मली तो आप क्या करते हो, नॉर्मली जब भी डिविडेंड मिलता है आप ये एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये करते हैं हम लोग ठीक है। बट अभी क्या करेंगे हम, अभी अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही करते थे हम लोग चित्रा कंसोलिडेशन में भी। तो वो डिविडेंड कॉलम फिल क्यों है, बाद में जो डिविडेंड मिला है तुमको क्वेश्चन में आगे जाके डिविडेंड मिला था ना, हाँ तो वो उसके लिए है, वो तो रिसीव हुआ है ना तुमको। तो जैसे तुम इंटरेस्ट कॉलम बना रहे थे फिक्स बियरिंग में, वैसे वेरिएबल बियरिंग में चाहो तो डिविडेंड कॉलम साथ में बना लो, या फिर अलग से एक डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो साथ में बनाने से भी हो जाएगा, देखो आराम से इसको बना के देखते हैं, तुमको और समझ में आएगा। क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, ये रहा, क्या था, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड राइट, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड क्वेश्चन ने क्या मांगा था, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे अरे ऐसे नहीं वेरिएबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर किसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे, इक्विटी शेयर्स ऑफ अलियंस लिमिटेड ऐसे लिखेंगे। नहीं हमने सिर्फ नाम लिखा था 9% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाँ उसके नीचे में मेंशन कर दो कि कौन सा किस स्क्रिप्ट से रिलेटेड तुम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। जब इक्विटी शेयर लिखा तो अपने आप में इंप्लाइड है कि वो वेरिएबल बियरिंग है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2012 डेट ठीक है, फिर चाहो तो नंबर ऑफ शेयर्स का एक बना सकते हो, कितने शेयर्स थे हमारे पास में क्लियर है, फिर उसका कॉस्ट, अच्छा वो तो रहेगा ही ना, वो तो रहेगा ही अपना, पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स कॉस्ट डिविडेंड, उसके बाद फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, फिर कॉस्ट एंड फिर डिविडेंड। अब तुम्हारे पास सबसे पहला ट्रांजेक्शन कब किया था, 1st of April 2011 को किया था टू बैंक अकाउंट,
कितने शेयर्स खरीदे? 5000। अब देखो यहाँ पे जितने वैल्यू में खरीदा ना, देखो मोदी यहाँ पे क्या करेंगे, कितने में खरीदा, 5000 इंटू 105 प्लस 2% का ब्रोकरेज, तो 535 ऐसे लिख दिया। और उसी दिन आपका क्या हुआ, उसी दिन तो नहीं, कब मिला था डिविडेंड, 15 मई को, तो 15 मई 11 आप क्या करोगे, इस तरफ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट डिविडेंड मिला ना, बट उस डिविडेंड को कॉस्ट कॉलम में लिखोगे, डिविडेंड कॉलम में नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि उसको तो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है ना, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट के अकाउंट के कॉलम में लिख रहे हैं, डिविडेंड इनकम के कॉलम में नहीं लिख रहे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ था, कुछ बोनस वाला था, कब था बोनस वाला, 30 जून को, टू बोनस इश्यू, कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमने कैलकुलेट किए थे, 1000। तो ध्यान रखना सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा और कुछ भी नहीं होने वाला बोनस से, कॉस्ट का कॉलम ऐसा ही रहेगा। क्या चीज 530, यहाँ पे एक सेकंड हमको ये ठीक करने दो, 535 था ना, हाँ किस तरह, अब ठीक है। तो बोनस इश्यू कर दिया, उसके बाद राइट इश्यू था, राइट इश्यू में क्या करेंगे, कब मिला था हमने राइट इश्यू, कब एक्सरसाइज किया, 1 अक्टूबर 11 टू बैंक अकाउंट, कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स लिए हमने, 250, उसके लिए कितना पे किया, ध्यान रखना राइट शेयर्स के केस में ब्रोकरेज नहीं लगता क्योंकि वो डायरेक्टली कंपनी से लेते हैं अपन, तो 250 इंटू 45 था 11, 250 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया था, कुछ डिविडेंड दिया था ना, इंटरिम डिविडेंड 30 नवंबर को, बाय बैंक अकाउंट हमने कैलकुलेट किया था डिविडेंड मिलेगा हम लोग को 6000, तो वो डिविडेंड इनकम का अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट कॉलम में नहीं आएगा वो हमारे। ये डिविडेंड तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है इसलिए मिल रहा है, और वो डिविडेंड तुमने पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं था, उससे पहले से उस पे राइट अटैच था। 1 अप्रैल को तुम खरीद रहे हो, ठीक है, तुम तो करंट ईयर में खरीद रहे हो, और तुमको डिविडेंड किस ईयर के लिए मिल रहा है, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर तो तुम्हारे पास शेयर्स ही नहीं थे, फिर भी तुमको डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारा कैपिटल इनकम हो गया ना। क्लियर है? और यहाँ पे तो हमने पैसा लगा रखा है कंपनी में, इसलिए एलिजिबल है, कंपनी से इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है। नहीं, अज्यूम नहीं करेगा, क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा, वरना जितना नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास होगा उन सब पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को कभी भी होल्डिंग पीरियड से फर्क नहीं पड़ता, हाँ इंटरेस्ट पे पड़ता है, बिकॉज इंटरेस्ट पीरियड तुम्हारा मंथ्स डेज उसके अकॉर्डिंग होता है, बट डिविडेंड तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना कि शेयर मार्केट में जब भी कंपनी वो बोलती है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, और डिविडेंड के लिए किसका एलिजिबिलिटी मानेंगे, कट ऑफ डेट देते हैं कि इतना तारीख तक जिस जिस बंदे के पास मेरे कंपनी के शेयर्स होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा, उतना तारीख तक है ना कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सब कोई बाई करते हैं, सोचते हैं कि खरीद लेते हैं इस डेट तक, फिर तो डिविडेंड एलिजिबल हो जाएगा, डिविडेंड मिलना ही है। उसकी नेक्स्ट डेट में भी तुम सेल कर दोगे ना, स्टिल तुम डिविडेंड मिलेगा तुम, क्योंकि एक कट ऑफ डेट होती है, उस डेट तक यदि तुम्हारे पास होल्डिंग्स है देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, तो वो उसको मिलेगा डिविडेंड। जैसे कि सपोज टेक एन एग्जांपल, तुमने क्या किया, 1 जून को कुछ शेयर्स खरीदे, ठीक है, फिर कंपनी ने बोला जिस जिस बंदे के पास 1 अक्टूबर तक मेरी कंपनी के शेयर्स होंगे उसको मैं 10% से डिविडेंड दूंगा या दूंगी, ठीक है, तुमने क्या क्या गलती से 1 अगस्त को सेल कर दिया, तो जिसको सेल किया ना
उसको अब डिविडेंड मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस इस डेट पे जितने शेयर होल्डर कंपनी के रजिस्टर में होंगे ना नाम, बस उन्हीं को ही डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर्स में डिफरेंट थिंग है, डिवेंचर्स में इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। यहाँ पे तुम सेल किसको करोगे, मार्केट में सेल करोगे, मार्केट में ऑलरेडी उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि बायर्स अचानक बढ़ जाएंगे डिविडेंड की लालच में, तब क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ रहा होगा। तुम सोचोगे कि डिविडेंड इतना सा मिलेगा और शेयर मार्केट में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम वहां सेल कर दोगे ना, तुम्हें डिविडेंड से लालच नहीं है। क्लियर है? फिर क्या हुआ था, सेल किया हमने, ठीक है, सेल कितना तारीख को किया हमने, 31 दिसंबर को हमने सेल कर दिया बाय बैंक अकाउंट। सेल करके नेट कितना रुपए पॉकेट में आया था, 279,300। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर शेयर सेल किए थे, 3000, राइट? तो इससे प्रॉफिट हुआ था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ था हमें, 21,660। यस। फिर उसके बाद क्या करना है, बैलेंस सीडी, जो डिविडेंड का वैल्यू है वो तुम्हारा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, 31 मार्च 12 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते, फिर से वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले डिविडेंड अकाउंट क्लोज कर दूं पीएल में ट्रांसफर करके, और फिर 31 मार्च को क्या होना है, बाय बैलेंस सीडी, कितने नंबर ऑफ हमारे पास शेयर्स और रह गए, 6250 में से 3000 हमने सेल कर दिया, 3250, और रेट कॉस्ट हमने निकाला था 3250 इनटू 85.88। हाँ, नॉर्मली बैलेंस करने से भी सेम आएगा। नॉर्मली बैलेंस करने से भी आंसर आपका उतना ही आएगा। अब एक बार वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। सबसे पहले सेल वैल्यू कितना था, 3000 शेयर्स सेल किए थे एट द रेट 95, 2,85,000 माइनस ब्रोकरेज एट द रेट, कमीशन तो लगेगा ना बेचेंगे तब, तो वो हमारे पॉकेट में थोड़ी आएगा, 5700 का, तो नेट सेल वैल्यू कितना है, 279,300 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जिस इन्वेस्टमेंट को बेचा उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना, वो कॉस्ट हमने कैसे निकाला, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 535, उसमें से 10,000 माइनस हो गया था ना, तो 525,500 प्लस 11,250, इतना टोटल पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, राइट? कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, 6250 शेयर्स के लिए, टोटल इतने नंबर ऑफ शेयर्स ही थे, मल्टीप्लाई बाय 3000
तो 3000 शेयर्स का कॉस्टिंग आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल निकल के आ जाएगा। क्लियर है वर्किंग लॉ? हाँ नहीं, क्वेश्चन यदि हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगता तो देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनाते। सोचो इस क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आया? सबसे पहले तो शेयर्स जो सेल किया था उसका प्रॉफिट आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यही एंट्री किया था, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 21660। फिर क्या आया था? बाय डिविडेंड, और वी कैन से बाय इंटरिम डिविडेंड, कितना था? 6000। एंड क्या होगा? बाय बैंक अकाउंट, क्या चीज था ये? सेल ऑफ राइट्स, कितने? 250 into 5 rupees 1250। तो बस ये हो जाएगा ये 2। वैसे तो बैलेंस कैरी डाउन होता नहीं है, पूरा डेटा नहीं है ना अपने पास में, ये तो कहाँ चला है? 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस चला जाएगा मेरा, रिटेन्ड अर्निंग जिसको अपन बोलते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप तो यहाँ है नहीं। किसने बोला खरीद? वो तो खरीदा ही नहीं हमने, जो बेचा है वो तो राइट थे, जो खरीदा वो तो अलग ही है, वो तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में चला गया। टोटल 500 शेयर्स का राइट था, उसमें से 250 खरीदा, जो खरीदा वो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है और जो बेचा वो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि बेचा तो सिर्फ राइट है, शेयर्स कहाँ बेचे? जिसको राइट बेचा हाँ वो उसको 4500 का खरीदना, हाँ इसको बेचा, हाँ वो चाहे तो खरीद सकता है 4500 में। मतलब इन शॉर्ट मार्केट वैल्यू किसी शेयर का राइट कितने में बेच सकते हैं ना, फ्री में भी बेच सकते हो, जो भी वैल्यू मिले। सुनो तुमने क्यों खरीदना पड़ेगा? वो तो ऑटोमेटिकली मिला क्योंकि तुमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा था, तुमने कंपनी में पहले से कितने शेयर्स थे राइट से पहले तुम्हारे पास में? 6000 शेयर्स थे ना, तो कंपनी में ऑलरेडी तुमने 6000 शेयर्स तो इन्वेस्ट कर रखा है ना, इसीलिए तुमको राइट मिल रहा है। थोड़ी ना नए शेयर होल्डर हो तुम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, इसलिए कंपनी तुम्हें राइट दे रही है। अब तुमको राइट एक्सरसाइज करना है तो ठीक, वरना मत करो। जैसे कि कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए नॉर्मली मंथली बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, सोडेक्सो कूपन्स देते हैं, वो फूड के कूपन्स होते हैं। यू कैन गो टू द रेस्टोरेंट्स एंड रिडीम, जहां से टाई अप्स होता है, डोमिनोज पिज्जा या फिर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में आप जाके वो कूपन देखो, आपका पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयज को कैश नहीं देके क्या करते हैं, हम सोडेक्सो कूपन देते हैं। इफ सपोज किसी एम्प्लॉय को नहीं जाना पूरे महीने में, वो कूपन लैप्स हो जाएंगे, तो वो क्या करता है कभी कभी अपने कलीग्स को सेल कर देता है, जितने भी बेचो वो तो सारा गेन ही है ना। और वो मिला क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था। क्या मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मुझे दे देगी क्या कंपनी? नहीं देगी ना, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग, जैसे वैसे ही राइट शेयर्स है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो आपको जस्ट राइट मिला, आप चाहो तो खुद खरीद लो, नहीं तो किसी को बेच दो। अब जिसको बेचा वो कंपनी के पास जाएगा खरीदने के लिए, तो यानी उसको कंपनी को 4500 rupees तो देना ही पड़ेगा, प्लस 5 rupees उसने मुझे दिए राइट लेने के लिए, तो उसके लिए नेट कॉस्टिंग 50 rupees होगा। और कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है मार्केट में उसका रेट और भी महंगा था, उसको तो सस्ते में ही मिल रहा है, मार्केट में क्या पता उस शेयर्स की रेट 100 rupees थी, क्लियर है। इसलिए वो राइट लेने को भी रेडी होता है।
तो दैट वाज द लॉजिक, यहाँ पे बैलेंस सीडी आ जाएगा और ये हो जाएगा अपना खत्म। आया समझ में? वेरिएबल इनकम बियरिंग, ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इट इज इजिएस्ट ऑफ द चैप्टर एंड फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपको। हाँ, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे ना उसमें, क्योंकि हमने तो उसके रिगार्डिंग पूरा पैसा पे करके खरीदा है, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। देखो देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग सेल्फ करोगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट सेम जैसे मैंने अभी किया वैसे ही ये क्वेश्चन चलेगा। सो ओवरऑल हमने फिक्स्ड का जो किया और वेरिएबल का जो किया ना, ये पूरा चैप्टर उतना ही। आई बिलीव अब तुम लोग सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं तो हूं ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ठीक है। ओके, सो एक कुछ क्वेश्चन हमने फिक्स्ड इनकम बेयरिंग पे किया और कुछ वेरिएबल इनकम, अब कॉम्बो करते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड, जहां पे आपका फिक्स बियरिंग भी रहेगा और वेरिएबल बियरिंग भी रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है उतने अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। चाहे वेरिएबल दो है, दो अलग अलग कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो दोनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। दो फिक्स बियरिंग में कर रखा है, एक बॉन्ड्स में कर रखा है, एक डिबेंचर्स में कर रखा है, तो दोनों एक ही अकाउंट में नहीं बनेगा, दोनों के अलग अलग सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनेंगे अपने, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। मिस्टर ब्राउन हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 11-12। 1 मई को परचेज किया है 24,000। अब देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्या किया करो एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। पहले दो लाइन से तो कुछ कहानी समझ में आ रही है, कुछ बॉन्ड्स शेयर्स इसके बारे में बात कर रहा है, क्यों ना पहले रिक्वायरमेंट पार्ट देख लें ताकि हम पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस हमारा क्वेश्चन रीड करने का वैसे ही चलेगा। प्रिपेयर सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर, इसका मतलब हर एक का अलग अलग, और नहीं बोलता क्वेश्चन, क्या फिर भी हम अलग अलग नहीं बनाते क्या? अलग अलग ही बनाते, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 12% बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एफडीज, दीज आर ऑल फिक्स्ड इनकम बियरिंग, ठीक है। तो एक अकाउंट बनाना है 12% बॉन्ड का, एक बनाना है इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड और एक बनाना है इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ब्राउन। यानी ये रीड करते ही फटाफट एग्जाम हॉल में भी तुम्हारे हाथ से तीन पेज में तीन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाने चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे डेटा आएगा बस उसको पुट ऑन करते जाओ, फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन भी तीन अकाउंट बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ब्राउन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके नीचे में ब्रैकेट में लिखेंगे 12% बॉन्ड, एक में लिखेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड और एक में लिखेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। इलस्ट्रेशन 11 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ब्राउन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% बॉन्ड्स का पहले बनाएंगे अपन फॉर द ईयर एंडेड। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, कौन से साल के लिए आप बना रहे हो, 31st March 12। ये हमारा पहला है, ठीक है। कुछ स्पेस छोड़ने के बाद अपन क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड
फॉर द ईयर एंडेड 31st March 12 date particulars number of shares cost dividend date particulars number of shares cost dividend सेम ऐसा ही और एक अकाउंट बनाएंगे किसके लिए बीटा लिमिटेड आराम से क्वेश्चन में गोता खाएं अपन हाँ अब क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे अपन डेटा को इनपुट करते जाएंगे हाँ कुछ कुछ वर्किंग नोट्स यदि हमें साथ साथ बनाने पड़े तो अपन वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोलता है 1 मई 2011 परचेज 24,012% बॉन्ड्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 84 कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th of September एंड 31st of March तो मैंने क्या बोला है जब भी परचेज करो या सेल करो चेक कर लो सबसे पहले फिक्स इनकम बियरिंग में कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था कब दिया था 31st March को दिया था हम जिससे भी खरीद रहे हैं वो हमसे क्या करेगा एक महीने का इंटरेस्ट लेगा क्या उसने जो प्राइस कोट किया है दैट इंक्लूड्स माय इंटरेस्ट अमाउंट वो इंक्लूड करता है ठीक है तो हमारा अकाउंटिंग एंट्री रहेगा बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1st of May को हमने परचेज किया है 24,012% बॉन्ड्स तो एक बात बताओ 1st of May 2011 टू बैंक नॉट इन दिस अकाउंट हाँ सॉरी 1st of May 2011 टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कितना दिया होगा हमने टोटल आपके 24,000 बॉन्ड्स है फेस वैल्यू 100 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और एक महीने का इंटरेस्ट निकालना क्लियर है हर्ष तो कितना होगा 24,000 तो ये तो मेरा इंटरेस्ट हो गया क्लियर है टोटल पे कितना किया हमने 24,000 इंटू 84 ये हमने टोटल पे किया है उसमें से तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो है तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो माइनस 24,000 तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 19,92,000 क्लियर है ये चीज सबको क्लियर है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है अब आगे चले नेक्स्ट पॉइंट Purchased 1,50,000 equity shares of rupees 10 each in Alpha Limited
for rupees 25 each through a broker who charged brokerage at the rate 2%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड परचेज किया है, 150,000 इक्विटी शेयर्स 25 रुपए में परचेज किए, उसके ऊपर ब्रोकरेज भी ऐड हो जाएगा 150,000 इनटू 25 रुपए, ये तो तुम्हारा परचेज वैल्यू हो गया 37,50,000, इसके ऊपर 2% का ब्रोकरेज भी लगेगा 38,25,000 is the cost value of investment in Alpha Limited, है ना? तो 15th of June को Alpha Limited के अकाउंट में क्या लिखेंगे? Alpha Limited ये वाला था 15th of June 11 to bank account. कितने number of shares खरीदा आपने? 15,000? 1,50,000. 1,50,000 shares आपने खरीदे? किस कॉस्ट पे? 38,25,000. क्लियर है यहां तक? है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 10th of July को आपने परचेज किया है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच इन बीटा लिमिटेड फॉर 44, सेम ही है। तो 10 जुलाई को क्या करेंगे, बीटा लिमिटेड वाले में एंट्री करेंगे। देखो क्वेश्चन कितना इजी बनता जाएगा। टू बैंक अकाउंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए, 60,000। नेट पूरा स्लो है तब ये लैग करके आ रहा है, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट कितना आएगा, 60,000 शेयर्स हमने परचेज किया फॉर द वैल्यू 44 प्लस 2% ब्रोकरेज 226,92,800। सब साथ साथ में चल रहे हैं, कोई आगे पीछे मत होना, ठीक है? थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड स्लो है अपना, 5G की वजह वो छोटा हो रहा है, 2.4GHz उसी में शिफ्टेड है, बट पता नहीं कुछ इश्यू हो रहा है। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अल्फा लिमिटेड मेड ए बोनस इश्यू फॉर ऑफ 2 shares फॉर एवरी 3 share हेल्ड। तो हमारे पास अल्फा लिमिटेड के शेयर्स है कितने, 1,50,000 शेयर्स। तो 1,50,000 शेयर्स है और वो क्या कर रहा है, 2 shares दे रहा है फॉर एवरी 3, तो डिवाइडेड बाय 3 into 2, तो कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स अपने को मिलेगा, 1,00,000 बोनस शेयर्स अपने को मिलेगा 14th of October को अल्फा लिमिटेड के अकाउंट में। अपन क्या लिखेंगे, हाँ वो आ जाएगा विद द फ्लो में, हाँ एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो अलग अकाउंट है ना अपना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टू बोनस इशू। अब मुझे बताइए बोनस इशू कितने रुपए में खरीदा हमने, उससे कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे जाके क्या बोला, सोल्ड 80,000 शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड फॉर 22 रुपीज ईच। अल्फा लिमिटेड के 80,000 शेयर्स आपने क्या किए, सेल किए, और उसके बाद इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट है, फिर बीटा लिमिटेड का राइट इशू है, फिर उसको सेल किया। हाँ कहाँ लिखा है ब्रोकरेज लग रहा है, ऐसा कहाँ लिखा है कि आपका ब्रोकरेज सेल में लग रहा है, ऐसा तो नहीं बोल रखा ना। तो क्या होगा, अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ अल्फा लिमिटेड शेयर्स। तो अल्फा लिमिटेड शेयर्स के लिए 80,000 शेयर्स आप बेच रहे हो, तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ अल्फा लिमिटेड शेयर्स टोटल कितना है सेल वैल्यू अपना 80,000 शेयर सेल कर रहे हैं एट द रेट कितना 22 इस नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब 17,60,000 माइनस कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स करना पड़ेगा कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स वो कैसे निकालेंगे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है डिवाइडेड बाय टोटल होल्डिंग्स 38,25,000 टोटल इन्वेस्टमेंट किया हमने और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कितने 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 80,000 का कॉस्ट मिल जाएगा अपने को तो प्रॉफिट पता चल गया ₹5,36,000 क्लियर है ये चीज तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय बैंक 17,60,000 डेट क्या है अपना 31st October शेयर्स गए जिसको हमने किस वैल्यू में बेचा बताओ तो 17,60,000 इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 5,36,000 क्लियर है अभी तक एकदम गो विद द फ्लो आगे चल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला 15% इंटरिम डिविडेंड मिला है ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड तो हमारे पास है कितने इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड 1st of January को इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है बाय बैंक हमारे पास इक्विटी शेयर्स है कितने 2,50,000 में से 80 तो बेच दिया 170 है 170 इज द नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है उसका 15% तो कितना मिलेगा 2,55,000 का डिविडेंड मिलेगा आपको उतना ही मिलेगा उसके बाद क्या है बीटा लिमिटेड मेड अ राइट इश्यू ऑफ 1 equity share फॉर एवरी 4 shares हेल्ड एट ₹5 पर शेयर पहले तो देखो कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स हमारे पास एलिजिबल है हमने टोटल बीटा लिमिटेड के कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 60,000 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है वो क्या बोल रहा है 1 share फॉर एवरी 4 60,000 डिवाइड बाय 4 into 1 तो कितने राइट शेयर्स अपने को मिल जाएंगे 15,000 में क्या कर रहे हम एक्सरसाइज कितना कर रहे हम 40% that is 6,000 और क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं बाकी सेल कर रहे हैं हम लोग 9,000
राइट शेयर्स हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो जितना एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्या होगा, 15 जनवरी को टू बैंक 6000 इंटू 5 30,000 है ना। और जो सेल कर दिया वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट, जितना सेल वैल्यू है अपना। आगे क्या बोला, 15,000 12% बॉन्ड हम सेल कर रहे हैं। अब बॉन्ड की बारी आई है। बॉन्ड से पहले एक काम करते हैं, एक और पॉइंट है शेयर्स वाला, वो खत्म कर देते हैं ताकि फिर बॉन्ड्स में जाएंगे। Received 18% interim dividend on equity shares of Beta Limited. तो Beta Limited के कुछ भी shares हमने sell नहीं किया। 15 मार्च को हम लोग को क्या मिलेगा, dividend मिलेगा। तो total 66,000 shares है। Face value कितना है? Interim dividend तो current year के ऊपर मिलता है। तो क्या हुआ, current year का share तो है ही ना, वो पिछले साल से रिलेटेड होता तो फिर राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलता। इस साल का ये और इस साल तो ये शेयर्स है ही मेरे, तो कितना आएगा डिविडेंड, 18% क्या बात कर रहे हो, 1,18,800 होगा ना। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, 10 है ना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 1,18,800 का डिविडेंड मिलेगा। क्या उसके बाद हमने बीटा लिमिटेड के शेयर्स को कुछ भी किया है क्या, सेल वेल कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं इसको, और तो कुछ है ही नहीं कहानी बीटा लिमिटेड के साथ में। तो बीटा लिमिटेड क्या होगा, 31 मार्च 2012 को बाय बैलेंस सीडी कितने 66,000 शेयर्स रहेंगे। कॉस्ट है 2692800 प्लस 30,000 2722800, और जो डिविडेंड है वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,18,800। कहानी खत्म। बीटा लिमिटेड की स्टोरी खत्म। वर्किंग नोट्स में सिर्फ एक ही वर्किंग नोट अपने को चाहिए था। फिर वैसे ही करके अपन क्या करें, अल्फा को भी खत्म कर दें। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। अल्फा लिमिटेड में भी क्या करना है, बैलेंस करो। डिविडेंड के कॉलम को क्या करें, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 31 मार्च 2012 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना डिविडेंड मिला था, 2,55,000, वो तो पीएल में चला जाएगा। और बाकी 31 मार्च 2012 को बाय बैलेंस सीडी, क्या ऐसा कुछ डिटेल दिया हुआ है क्या जहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है अपने पास में, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स तो नहीं दे रखा ना, तो यानी हमें कंपेयर भी नहीं करना। इफ मार्केट वैल्यू रहेगा तो हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करके कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ, वो बताना पड़ेगा, वो क्वेश्चन खुद बताएगा। तो यहाँ पे और तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचेंगे अल्फा लिमिटेड के, 1,70,000, और कितना वैल्यू का, 26,01,000,
खत्म इसका कहानी भी। यहां तक कोई डाउट अपने को? एकदम सिंप्लीफाइड जैसा चल रहा था वही क्वेश्चन, जस्ट कुछ नहीं है, दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बस लेंथी कर दिया, चीजें वही है। तो ये कर लिया, बीटा कर लिया, शेयर्स का काम हो गया वेरिएबल। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स के लिए क्वेश्चन ने पहले तो इंटरेस्ट के बारे में क्या क्या बोला है, कब कब मिलता है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली था क्या? तो जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स मिलेगा तो कब कब है? 30 सितंबर और 31 मार्च। हमने बॉन्ड का ट्रांजेक्शन एक यहां किया था, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब कर रहे हैं बॉन्ड का? सेल डेट पे 1 मार्च को। उसके बीच में तो हमने बॉन्ड्स के साथ कुछ किया ही नहीं है, उसके बीच में हमने बॉन्ड्स के साथ कुछ भी नहीं किया। तो क्या करना होगा, 1 मार्च को 15,090x इंटरेस्ट में बेचेंगे, वो बात की बात है, लेकिन 1 मई में खरीदा तो सबसे पहले क्या आएगा, 30th सितंबर। 30th सितंबर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपने को? 24,000 बॉन्ड्स थे, 100 रुपए का फेस वैल्यू, उसपे कितने महीने का इंटरेस्ट? कितने महीने का इंटरेस्ट? वो 6 मंथ्स का ही होगा, सोचना ही नहीं है अपने को, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च मिला था, तो पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो कितना होगा, 1,44,000 आया क्या? अब हम क्या कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं? 1 मार्च को हम सेल करेंगे। कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है या कम इंटरेस्ट प्राइस? एक्स इंटरेस्ट, यानी वो पूरा का पूरा ही रहेगा मेरे पास में, तो उतना ही मेरा नेट सेल वैल्यू हो गया। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है अपना, 90 रुपीज। तो 15,000 × 90, ये तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का आ गया सेल वैल्यू। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लोगे आप सामने वाले से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे, तो कितना होगा, 15,000 × 100 मल्टीप्लाई बाई 12% डिवाइड बाई 12 × 5, 75,000 का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। क्या चीज, कौन सा नहीं समझ में आया? अरे कौन सा, ओके ठीक है। अब क्या करना है, बस बैलेंस करना है 31 मार्च को, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ? खरीदा तो 1,35,000 ही करना था क्या? 13,50,000, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स सेल वैल्यू कितना, 13,50,000। हाँ आप जो ऊपर लिखा है वो सेल का जो इंटरेस्ट अमाउंट, हम्म, वो पूरा उसके लास्ट में इंक्लूड किया, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कंपनी को कब, कंपनी ने कब दिया था, 30th सितंबर। हम इसको बेच कब रहे हैं, मार्च को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 5 महीने का तो इंटरेस्ट हम सामने वाले से रिकवर करेंगे ना, क्योंकि जिस बंदे को हमने सेल कर दिया अब कंपनी उसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी, पर उसको मिलना तो 1 मंथ ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे उससे 5 मंथ्स पहले ले लेंगे और फिर कंपनी से उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो नेट उसके पॉकेट में कितना रहा, 1 मंथ, तो वही रहना चाहिए था। तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे,
कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था आपने? 24,000 19,92,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इनटू कितने नंबर ऑफ बॉन्ड सेल कर रहे हैं? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स तुम लोग सेल कर रहे हो? ₹12,45,000 प्रॉफिट ऑन सेल निकल जाएगा ₹1,05,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,05,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमें बैलेंसिंग करना है? नहीं, उससे पहले बचे हुए बॉन्ड्स पे 31 मार्च को इंटरेस्ट भी तो मिलेगा बाय बैंक अकाउंट। कितने बॉन्ड्स अभी भी है हमारे पास? 24 में से 15 ही सेल किया, 9,000 बॉन्ड्स तो है, 9,000 जिसका फेस वैल्यू ₹100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, 54,000। क्लियर है? अब बैलेंस करेंगे हम लोग। पहले तो इंटरेस्ट वाले कॉलम को बैलेंस करो, जितना भी वैल्यू होगा कहां चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। ₹2,49,000 पीएल में चला गया और बाकी बॉन्ड्स का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ₹7,47,000 खत्म। टफ था क्या? टफ नहीं था, हमने स्लो एंड स्टेडीली किया तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगा, बट एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जब अपना फ्लो ऑफ प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको जस्ट जब भी बड़े लेंथी क्वेश्चंस आए, जैसे जैसे पॉइंट्स बोल रहा है वैसे वैसे फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। इज इट क्लियर? सो विद दिस वी कम्स टू द एंड ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेगा। थैंक यू।